हम चेस्ट की एक्सरसाइज में पहले इंक्लाइन बेंच के ऊपर लगाएंगे और बिना रेस्ट ले इसी के साथ में शोल्डर प्रेस लगाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से। वन, वेरी गुड, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। बिल्कुल स्लो, जिस मोशन में वेट अप डाउन होता है उसको रूटीन करना है, जैसे ये भी इसी मोशन में अप करना है। स्टेट कॉन्ट्रैक्ट, इसी के साथ में हम शोल्डर प्रेस लगाएंगे डंबल के साथ में। 12 रैप उसके थे, 12 इसके निकालेंगे। अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो आप वेट और ज़्यादा रख सकते हो और जो रैप है वो 6 से 8 रख सकते हो। ठीक है, दो, चार, पाँच, छः, आठ। डंबल है ना, मैं ऐसे क्लोज नहीं करने, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो स्ट्रेट होती है। अगर हम ऐसे कर देंगे तो जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है। ऐसे कोई मतलब नहीं है, डंबल ऐसे आ सकते हैं। तो हमें डंबल बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ऐसे। ऐसे 4 सेट लगाएंगे, ठीक है, 25 के डंबल के साथ होगा। उसके बाद 30, 35, 40 तक ले जाएंगे। तो मिलते हैं 40 वाले के अंदर। तब लो भाई, चेस्ट के चौथे सेट पे पहुंच गए जो 40 केजी का है। देखते हैं 40 केजी के कितने रेप निकलते हैं और साइज साथ साथ में शोल्डर प्रेस लगाएंगे 25 के डंबल के साथ में। तो देखते हैं 40 के और 25 के, यानी साथ में शोल्डर और साथ में चेस्ट, दोनों के टोटल कितने रैप निकलते हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है टोटल निकलने चाहिए 8 रैप के आसपास, यानी 4-5 रैप इसके और 4-5 रैप उसके निकलने चाहिए। तो देखते हैं लास्ट सेट में